नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से मंदिर में किया विवाह, रूबीना ने रूबी रख लिया अपना नाम। प्यार की रस्मों के आगे दो मजहब की दीवारें टूट गईं और रूबीना बेगम ने रूबी अवस्थी बनकर मंदिर में अपने प्रेमी के नाम का सिंदूर भरकर उसकी जीवन संगनी बन गई। मामला बहराइच जिले के कोतवाली देहात इलाके का है, जहां के शिवपुरा गांव की रहने वाली रूबीना बेगम अब रूबी अवस्थी बन चुकी है। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। जी हाँ, कुछ ऐसी एक सच्ची घटना यूपी के बहराइच जिले में सामने आई है, जहां प्यार की रस्मों के आगे दो मजहब की दीवारें टूट गईं और रूबीना बेगम ने रूबी अवस्थी बनकर मंदिर में अपने प्रेमी के नाम का सिंदूर भरकर उसकी जीवन संगनी बन गई। मामला बहराइच जिले के कोतवाली देहात इलाके का है, जहां के शिवपुरा गांव की रहने वाली रूबीना बेगम अब रूबी अवस्थी बन चुकी है। रूबीना ने हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक मंदिर में अपनी मांग में सिंदूर भरकर अपने गाँव के ही शेष कुमार अवस्थी नाम के अपने प्रेमी से शादी कर ली है। आपको बता दें कि दोनों की शादी में लड़का पक्ष बहुत खुश है, वहीं लड़की पक्ष नाराज है। हालांकि पुलिस की सुरक्षा में दोनों की शादी बीते 6 जून को एक मंदिर में करवा दी गई है। पुलिस की सुरक्षा में शेष और रूबीना ने शादी की। इसके बाद दोनों ने मंदिर में जाकर पूजा की। 15 दिन पहले दोनों शादी करने के लिए गाँव से भाग गए थे। आपको बता दें कि रूबी और शेष दोनों ही शिवपुरा गांव के रहने वाले हैं। दोनों की मुलाकात लगभग 2 साल पहले हुई थी। रूबी की उम्र 18 साल है और वो बैचलर की छात्रा है। वहीं शेष 21 साल का है और प्राइवेट नौकरी करता है। लगभग 15 दिन पहले दोनों शादी करने के लिए गांव से भागकर मुंबई चले गए थे। शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों को पकड़ा। इस बात की शिकायत लड़की पक्ष के परिवार ने पुलिस से कर दी थी। उन लोगों ने शेष के खिलाफ उनकी बेटी को भगाने का केस दर्ज करवाया था। परिवार का कहना था उनकी बेटी नाबालिग है और शेष उसको बहलाकर फुसलाकर ले गया है। गांव में माहौल तनावपूर्ण देखते ही पुलिस ने दोनों को मुंबई से बरामद कर लिया। उसके बाद युवती को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया। वहीं लड़के को पुलिस हिरासत में रखा गया। रूबीना का कहना है कि वो अब आगे की जिंदगी शेष के साथ हिंदू बनकर रहेगी। कोर्ट ने दोनों को अपने मन से शादी करने की दे दी इजाजत। 3 जून को दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। वहां युवती के 164 के बयान लिए गए। वहीं लड़के के भी बयान लिए गए, जिसमें दोनों के अफेयर होने की बात सामने आई। दोनों ने कोर्ट में कहा कि वो शादी करना चाहते हैं। वहीं लड़की ने अपनी मार्कशीट भी दिखाई, जिसमें वो बालिग साबित हो रही थी। जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को अपने मन से शादी करने की इजाजत दे दी। 6 जून को वकील दिनेश जायसवाल ने रूबीना के हिंदू बनने के पेपर तैयार करवाए। उसके बाद पुलिस सुरक्षा में दोनों की शादी करवाई गई। रूबीना से रूबी अवस्थी बनी मुस्लिम युवती के ससुर कन्हैयालाल अवस्थी का कहना है कि हमें धर्म से फर्क नहीं पड़ता, लड़की कोई जाति नहीं होती। रूबीना से रूबी अवस्थी बन चुकी युवती अब हमारी बहू है। दोनों की शादी के बाद लड़के के पिता का कहना है कि वो इस शादी से बहुत खुश हैं। उनके परिवार ने रूबी को दिल से अपनाया है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म की है, हमारे लिए तो वो अब हमारी बहू है। मेरा तो आशीर्वाद दोनों के साथ है। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।